अगर बात की जाए टैटू की या फिर उसे दूसरे शब्दों में कहा जाए गुदवाना, लोग इसके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, पर आजकल के ज़माने में कहा जाए तो वो एक खूबसूरती का रूप ले चुका है। लोग उसे खूबसूरती के तौर पर हाथ पे, गले पे या फिर अन्य जगहों पे गुदवाना या फिर टैटू बनवाना पसंद करते हैं। वहीं हमारे साथ जुड़ चुकी है एक महिला जो कि टैटू पे रिसर्च कर रही है, हम इनसे जानेंगे। आपके बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में, और बिरसा मुंडा के धरती पे जो कि झारखंड की राजधानी रांची में आज आप आई हैं, काफ़ी खुशी हुई इस चीज़ को देखकर कि आप जो है टैटू पे रिसर्च कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे, पहले की जो महिलाएं होती थी जिसे गुदवाना कहते थे, अब तो नया फैशन कहा जाता है कि टैटू, लेकिन पहले की महिलाएं गुदवाना कहती थी, और आदिवासियों में खास तौर पे ये चीज़ देखा जाता था कि गले पे ज़्यादा गुदवाया जाता था, हाथ के बाजुओं पे गुदवाया जाता था, पर कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य जो है अलग होता था, उसके माने जो होता है वो अलग निकलता था, उसके बारे क्या कुछ कहेंगे जी? सब कुछ जोहार, मैं ये बताना चाहूँगी जैसे अभी आप फैशन में जो टैटू देख रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से इसका शुरुआत हुआ है। इसे ट्राइबल लैंग्वेज में गोदना बोलते हैं जी। तो ये गोदना इसलिए कराया जाता था कि पहले का जो हमारे पूर्वजों का जो मान्यता है कि आप इस दुनिया में आए हैं तो आप यहाँ से क्या लेके जाइएगा, यहाँ से हम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ये गोदना जाता है। तो ये सिर्फ हमारे बॉडी को सजाने के लिए या इस तरीके का जो मेंटालिटी है वो नहीं है, इसके और भी कारण है। जैसे साइंटिफिकली अगर हम लोग देखें तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो अपंग रहते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, उन बच्चों की कमर में गोदना कराया जाता है तो फिर वो चलने लगते हैं। तो ये एक नस को दबाने के लिए भी इस गोदना को किया जाता था। इसका मेडिकल पर्पज सेकेंड ये है कि जैसे हमारे गले में घेगा होता है जी, बिल्कुल हाँ, तो घेगा को ठीक करने के लिए छोटे छोटे डॉट्स बनाए जाते हैं गोदना का, तो उससे वो गोदना उससे जो घेगा बीमारी है वो भी हो जाता है। दूसरा कारण ये है जैसे लड़के बच्चे में यदि आप गोदना देखेंगे तो उनके माथे में ऐसे एक डॉट गोदना होता है, तो वो क्यों होता है? तो ये हमारे जो आदिवासी समाज है उसमें ये मानना है कि जब बच्चे बड़े होते हैं 15 ईयर्स अबव जाते हैं तो लड़के बच्चे थोड़ा एग्रेसिव मिजाज के होते हैं, तो उस अग्रेशन को कम करने के लिए हमारे माथा में गोदना किया जाता है। फिर हमारे में ये भी मानते हैं जैसे महिलाओं को गोदना कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जब वो ससुराल जाते हैं तो उनमें अगर गोदना नहीं होता है तो वो उसे अच्छा नहीं मानते और उसे खूबसूरत भी नहीं मानते। तो शादी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महिलाओं की जो खूबसूरती होती है वो गोदने से भी बढ़ती है। डेफिनेटली डेफिनेटली गोदना किस तरह से, गोदना के फायदे होते थे बच्चों को, गोदने से क्या, गोदना से क्या होता था, महिलाओं की खूबसूरती जो होती है उस तरह से बढ़ाती थी। पर अब हम कहेंगे कि आज के जनरेशन में ये कहीं ना कहीं फैशन बन जाता है, उस वक्त था कि एक उद्देश्य होता था, एक मतलब निकलता था, एक माने निकलता था, लेकिन आजकल के लोग है काफ़ी बटरफ्लाई हो गया या फिर भगवान की तस्वीर हो गई या फिर कोई माँ लिखवा लेता है, इस तरह की अन्य फैशन जिसे कहा गया है फैशन के तौर पर लोग टैटू बनवाना चाहते हैं, उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे आप और उनके विषय पर क्या कुछ चर्चा करेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी हमारे जो आदिवासी समाज के स्पेशली जिस समाज में ये बनाए जाते हैं उनको इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा परंपरा से करते हुए आ रहे हैं, और अपने कल्चर को संभाले रखना, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना वो हमारा ड्यूटी है, हमारे यंगस्टर का ड्यूटी है। तो इसे आप थोड़ा सा भी अपने शरीर में एक अपने आइडेंटिटी को दिखाने के लिए डेफिनेटली इसको बनवाएं जी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि आप जो है इस पर रिसर्च करी तो अब तक क्या कुछ जाने हैं आप इसके बारे में, क्या महत्वपूर्ण बातें जो है आपको पता चली है, कुछ बातें जो है हमारे दर्शकों के समक्ष भी रखी हैं आप? डेफिनेटली मैं एक्चुअली गोदना के ऊपर रिसर्च करूँ, इससे मुझे ये पता चला है कि ये जो डिज़ाइन हमारे बॉडी में आप देखते हो ये यहाँ का नहीं, अभी का नहीं है, ये आपके 10,000 BC जब प्राचीन, जी बिल्कुल प्राचीन काल से ये हमें रॉक आर्ट्स में मिलते हैं। जैसे ये आप डिज़ाइन एक देखोगे, इसको बोलते हैं रेला, जो हम आदिवासी लोग हाथ जोड़ा के जो डांस करते हैं ये आपको रॉक आर्ट्स में मिलता है। तो अभी क्या है कि मानव जो है वो सेटल लाइफ जीते हैं, अब वो गुफा में नहीं जीते हैं जी, बिल्कुल। तो वहाँ से कैसे वो डिज़ाइन हमारे शरीर में आया, ये इसका एक पूरा टोटल जर्नी है। ये इस तरीके से गोदना एक जर्नी हम लोगों को दिखाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम से कैसे अभी भी हम अपने शरीर में इसको लिविंग ट्रेडिशन में रखें जी। अपना परिचय दे दीजिएगा।
मैं डॉक्टर अंशुमाला तिर्की हूँ, मैं एथनो आर्कियोलॉजी के ऊपर अभी अपने रिसर्च कर रही हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी थी डॉक्टर अंशुमाला तिर्की, जिन्होंने आपसे कहा कि टैटू पे रिसर्च कर रही हैं, और इन्होंने काफ़ी सारी बातें जो इन्होंने रिसर्च की उन्होंने आपके साथ साझा किया कि किस तरह से जो टैटू है लोगों को दर्शाता है, ज्ञान देता है, वही कहीं ना कहीं आज जो है फैशन बन चुका है। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि आदिवासियों यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही जो टैटू है वो कहीं ना कहीं लोगों की खूबसूरती बढ़ाता था या फिर किसी बीमारी की खास वजह भी बनता था उसे दूर करने को लेकर। वहीं फिल्म को लेकर हमने बातें की कि लोगों को अवेयर करने को लेकर जो है किस तरह से जागरूक अभियान भी तो चलाया जाता है काफ़ी दिनों से, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस पर मूवी या डॉक्यूमेंट्री जो है तैयार की जा रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।